आज की हमारी क्लास में हम बात कर रहे हैं लैम्डा के बारे में, ठीक है? कि लैम्डा का क्या यूज है, क्लियर है? तो बेसिकली लैम्डा फॉर्मूला का यूज होता है और नेमिंग मेथड के लिए। हम एक्स वाई जेड ऐसे सपोज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने लगाया फॉर्मूला यहाँ पे कि इक्वल लैम्डा, लैम्डा किया हमने, बोला कि एक्स और वाई ऐसे मान लिया, एक्स और वाई क्या कर लिया, मान लिया। फिर मैंने यहाँ पे कर दिया कि भाई एक्स और वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स और मल्टीप्लाई बाई वाई कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू 50 कर दूँ और वाई की वैल्यू 60 कर दूँ, तो आप देखेंगे दोनों मल्टीप्लाई होके रिजल्ट 3000 आ गया। आ गया सर? लेकिन इसका जी बेनिफिट क्या सर, है? चलिए इसका बेनिफिट आपको बताते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्वार्टर वन और क्वार्टर टू का लगाया था, क्वार्टर वन में 50, क्वार्टर टू में 60 कर दिया, ठीक है? कर दिया ना सर? जी अब मुझे इसमें क्या करना है कि ग्रोथ निकालना है। तो हमने ग्रोथ के लिए बताया था आपको कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट था। ओल्डेस्ट अब इस फॉर्मूले को हमने कहाँ डाला था, डिफाइन नेम में डाला था ना। तो क्या प्रॉब्लम हुई थी जी डिफाइन नेम में, कि अगर मैं सेम प्रॉब्लम यहाँ पे डिफाइन ऑटोमेटिक नेम में गया और जी आर डाल दिया और तो आ यहाँ जाए ग्रोथ हम आ जाए। लगा देते, राइट? तो एक ग्रो ए हमारा वर्क कर रहा है, यहाँ पे इक्वल जी आर कर देंगे तो वर्क कर जाएगा। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास ए रहा क्वार्टर वन, ए रहा क्वार्टर टू, क्वार्टर वन में 50, क्वार्टर टू में 60, मुझे ग्रोथ यहाँ निकालना है। तो यहाँ जी आर लगाएंगे तो क्या है, इन दोनों को पकड़ रहा है ना सर? मतलब कि मैं जी यहाँ अपने हिसाब से नहीं दे सकता क्या अपना इनपुट। दूसरी, ये दूसरे सेल में वर्क नहीं करेगा। अगर दूसरे सेल में जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि एक सीट से दूसरे सीट की रेफरेंस लूँ, तो नहीं, वो सेम सीट का रेफरेंस लेगा। समझ गए? तो जी सेम प्रॉब्लम लैम्डा से दूर कर सकते हैं। हम यहां लिखेंगे फॉर्मूला लैम्डा। लैम्डा फॉर्मूला में हमने बोला कि एक्स हमारा यहाँ पे क्वार्टर वन, अच्छा क्यू वन नहीं दे सकते, अपना रेफरेंस दे देता है आई थिंक, नहीं ले दे सकते हैं, एक मिनट मैं एल वन दे के देखता हूँ, रेफरेंस दे रहा है। तो हमें आप यहाँ पे लिख दिया लेटेस्ट ओल्डेस्ट, ओ ओल्डेस्ट लेटेस्ट, हमने दो ले लिया। और हमने यहाँ पे किया यहाँ ब्रैकेट में, अब कैलकुलेशन आता है, हमने दो डिफाइन कर लिया, फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं कि एल माइनस ओ डिवाइड बाय ओ, ओ ठीक है? अब इस फॉर्मूले को, अब यहाँ पे फॉर्मूला एंटर मारेंगे तो कैलसी का एरर आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में इनपुट तो दिया ही नहीं ना मैंने, यहाँ पे रिजल्ट इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने ब्रैकेट में क्या दिया था, इसका इनपुट दिया था। पर इनपुट इसका दिए थे। इनपुट जो है मुझे, हम मुझे इसको डिफाइन नेम में डालना है। तो जो हमने अभी बनाया था जी आर का फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। कर दिया सर? टिक मार लगाया एंड क्लोज कर दिया। अब यहाँ भी कैलसी आ गया क्योंकि यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसको ब्रैकेट, अब देखिए ब्रैकेट में दिख रहा है यहाँ पे ओ एल दिख रहा है, आ गया सर? जी तो जी ओ हो गया हमारा ओल्ड, ये हो गया लेटेस्ट, एंटर मारिए, नंबर दे आ गया दिए। जी रिजल्ट। क्या सर, रिजल्ट आ गया ना? क्लियर है? जी तो लैम्डा फॉर्मूला समझ में आया आपको? एक बार और समझा दीजिए सर। जी एक बार और समझा दें। सर, चलिए, यहां पे हमने सेल्स की कैटेगरी रखा था सर, जी ठीक है? मैंने इफ का फॉर्मा लगाया था, तो यहां मैं लगाता हूं लैम्डा। क्या लगाया? लैम्डा लगाया हमने, लैम्डा में पैरामीटर हमने सीख दिया एस। अब यहां पे कंडीशन दे देते हैं कि इफ एस इज
ग्रेटर एस इज लेस देन इक्वल टू 40, ठीक है, तो यहां पे 500। अगेन इफ हमने बोला लेस एस इज लेस देन इक्वल टू 80, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 80, अगर ऐसा है तो यहां पे हमारा 1000। फिर अगेन इफ एस लेस देन इक्वल टू 100, और ऐसा है तो 2000। फिर यहां पे इफ एस इज ग्रेटर देन 100, तो यहां पे हमने लिख दिया 5000। ओके, हमने यहां पे इसको क्लोज किया। कैलसी का प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर इनपुट नहीं दिया, अब इसके अंदर हम जाके इसको इनपुट दे देते हैं सिंपल, तो रिजल्ट आ जाता है। और इसी फॉर्मूले को हम लेते हैं और कहाँ डाल देंगे हम, डिफाइन नेम में, डिफाइन नेम में आईएनसी कर दिया और यहाँ पे हमने इसको फॉर्मूला पेट करके ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे जस्ट आईएनसी फॉर्मूला लगाऊंगा, इसके जगह एस को सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा, हमारे पास 1000 का रिजल्ट आ गया। और कहीं भी जैसे मान लीजिए यहां है, किसी और सीट पे भी मान लीजिए सीट 4 पे करना है तो इक्वल, मान लीजिए यहाँ पे 85 है तो यहाँ पे इक्वल हमने क्या लगाया था, आईएनसी का फॉर्मूला हमने सेलेक्ट किया, रिजल्ट आ गया, समझे। तो यहाँ क्या था, जब हमारे पास लैम्डा फॉर्मूला नहीं आया था तो हम क्या करते थे, लैम्डा फॉर्मूला हम क्या करते थे, डिफाइन नेम का यूज करते, डिफाइन नेम में डाल देते जी, तो डिफाइन नेम में सारा जो नॉर्मली फॉर्मूला लगाते हैं उसी फॉर्मूला को हम डिफाइन नेम में डाल देते थे, वर्क करता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था, प्रॉब्लम होता था कि आपका कि सेम लोकेशन पे लगता था, किसी और जगह पे वर्क नहीं करता था वगैरह, और लैम्डा दूसरे जगह पे भी लग सकता है, अब कहीं भी लगा सकता है। अच्छा एक और है यहाँ पे, मैं एक एक फॉर्मूला मैंने देखा था, कब से इसको यूज करना चाह रहा था, देखिए क्या कर रहा है पता है, वर्ड काउंट करके दे रहा है, समझे क्या कर रहा। देखिए हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट को डिफाइन किया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लेन दिया कि लेन और ट्रिम दिया, ट्रिम में हमने टेक्स्ट को कर दिया ताकि फालतू के स्पेसेस हट जाएं, फिर मैंने लेन लगाया सब्स्टिट्यूट में, मैंने बोला कि इसमें से ब्लैंक को स्किप कर दो, और फिर यहाँ पे बोला कि लेन अगर लेन ट्रिम अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उसका काउंट कर ले, ट्रू कर ले, तो ये देखिए आ गया काउंट इसका 9 आ गया। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले लैम्डा के जरिए बनाया जा सकता है, आगे की क्लासेस में हम ये चीजें आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो लैम्डा फॉर्मूला सब जो आ गया जी सर, अब बारी आती है एक और फॉर्मूला, लेट, लेट फॉर्मूला, LET लेट, समझे जी। LET लेट जैसे कि हम लोग होते हैं मैथमेटिक्स में बोलते थे कि सपोज अगर ये ऐसा हुआ तो ऐसे चले, याद होगा मैथमेटिक्स में, तो ऐसे हम नेम वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया कि इक्वल टू लेट, ठीक है ना, लेट में हमने मान लिया यहाँ पे x, ये तो लेन हो गया सर, लेन हो गया, सॉरी लेट, लेट हमने मान लिया x, x की वैल्यू क्या हो गई, a हो गई, 9, समझ गए। अब मुझे आगे जो है कुछ भी देने की जरूरत नहीं, इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है, मैंने कौन सा x, x इज लेस देन इक्वल टू 40 है तो 1000, ठीक है, सॉरी जी, बैगर क्लोज किया, एक बार बैगर क्लोज किया, आ गया 1000 जी।
समझ गए। जी तो इसमें क्या हुआ कि लैम्डा फॉर्मूला में इसमें क्या अंतर है कि लैम्डा फॉर्मूला में हम डिफाइन नेम करते हैं, फिर इनपुट देते हैं, तब वर्क करता है ना। हम यहाँ पे अज्यूम कर देते हैं फॉर्मूला और फिर इसको डिफाइन नेम में अपना वर्क करते हैं। इसमें आप हाथों हाथ कर सकते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि इफ आपको नेस्टेड फॉर्मूला लगाना है जिसमें उसका जो इनपुट है ना वो थोड़ा सा कैलकुलेटेड है। जैसे मान लीजिए ना एमआरपी, आपने एकल एमआरपी का फॉर्मूला लगाया था ना हमने, जी अब एमआरपी का फॉर्मूला कितना बड़ा था, अब उस एमआरपी पे हमें टैक्स निकालना है, समझे। तो हमें क्या जी करना होगा कि किसी सेल पे उस एमआरपी को कैलकुलेट करके देन इफ लगाना पड़ेगा। तो हम उस एमआरपी, हम यहाँ पे एक एक्स मानेंगे और एमआरपी की कैलकुलेशन में यहाँ डाल देंगे, और उसके बाद अपना भाई लोग ऊपर दो। ठीक है। जी अरे दे दे इसका क्लियर सर। तो लैम्डा और लेट जी क्लियर फॉर्मूले है यूज सर। योर प्रैक्टिस।